देखो 6 महीने बचे हैं जिंदगी के, 6 महीने आप बहुत मेहनत कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं 6 महीने में कि हम कैसे 2 तारे अपने कंधों पे लगाए। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जीएस की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी इंग्लिश है। मैथ्स की बात करेंगे और उसके बाद हम रीजनिंग की बात करेंगे। कैसे सारे सब्जेक्ट्स को आपको मास्टरी करना है और कैसे दिल्ली पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आपको बनना है, ये वाले जो सारा कंटेंट है मैं एज इट इज़ PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है मिस्टर टू टेल्स, ब्रैकेट में शंकर सेसमा लिखा होगा, ये वाला आप जरूर देखें, इस पर आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए शुरू करते हैं। देखो 6 महीने हम टारगेट SSC CPO 2024 लेके चल रहे हैं। हमें पता है इसका जो नोटिफिकेशन है वो 15 फरवरी आने वाला है। ये दिन 14 फरवरी आपको पता है, सबको पता होगा। उसके नेक्स्ट डे हमारा ये आने वाला है और अपना एग्ज़ाम है मई जून 2024 के अंदर। ये लगभग 6 महीने, आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो इससे लगभग 6 महीने होगा और हमारा टारगेट होगा इस बार CPO पार। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। देखो एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत बिगनर जो आदमी होगा आप अच्छे से चीज़ों को देखना, जाके इंटरनेट पे समझना, सिलेबस को समझना। वैसे मैं सारा सिलेबस इसमें लेके चल रहा हूँ साथ में, ज़्यादा चीज़ें आपको छोड़ूंगा नहीं समझने लायक। 2 राउंड में पेपर होता है, प्रीलिम्स होगा मेंस होगा, बहुत ईजी है। प्रीलिम्स होते ही जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो आपको फिजिकल होगा, आपको फिजिकल के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद मेडिकल होता है। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, प्रीलिम्स 200 नंबर का होता है, 50 नंबर की मैथ्स, 50 की रीजनिंग, 50 की GS और 50 की इंग्लिश। मेंस सिर्फ इंग्लिश का होता है तो आपका 200 नंबर इंग्लिश का, तो टोटल 250 नंबर इंग्लिश के, बाकी के 50-50 है। यहाँ पर लगभग 63% इंग्लिश आती है, ये ध्यान रखना आपको। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो CPO का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से करेक्ट कर जाएगा। ये सिंपल सी बेसिक सी गणित है। मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम शंकर सेसमा है, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ विथ 11th रैंक, ठीक है। उसके बाद मैं अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली जोन में। इस वीडियो को और इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये वाला PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस जो इस वीडियो में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वोकैब की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप ये जाके ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साइड में ID दिख रही होगी, मिस्टर टू टेल शंकर सेसमा के नाम से ID है। मैं जनरली मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ इंस्टा पे, कुछ गाइड मैं अपलोड कर देता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बुक अनाउंसमेंट भी करता हूँ। काफ़ी बच्चों को मैंने बुक्स भी बांटी है, फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने किया है, और पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हाउस द जोश, हाय सर लिखना है, और आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मॉक नहीं दिया अभी तक तो मॉक नॉट अटेम्प्टेड लिखना है और मुझे बताना है, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे मैथ्स पे नहीं भाई, इंग्लिश पे बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश पे बात करेंगे। जैसे आपको पता है इंग्लिश दोनों में आती है, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आएगा, ये मेन सब्जेक्ट है। CPO आपको करेक्ट करना है तो इसको मास्टरी आपको करनी पड़ेगी, ये है अपना मेन सब्जेक्ट, ठीक है। Tier 1 Tier 2 दोनों में आएगा। अब बायफर्केशन देख लेते हैं। Tier 1 में देखो लगभग 15 नंबर की ग्रामर आती है, 25 नंबर की वोकैब आती है, 10 नंबर की कंप्रेंशन आती है। मेंस की बात करें तो लगभग 90 से 95 नंबर की ग्रामर आती है, 30 से 35 नंबर की वोकैब आती है, और 75 नंबर की कंप्रेंशन आती है। दोनों का कंबाइंड में बता देता हूँ तो ग्रामर आती है 110 नंबर की 250 में से, कंप्रेंशन आती है 85 नंबर की 250 में से, और लगभग 55 से 60 अपनी वोकैब आती है। तो इसको ये मत बोलो कि देखो ग्रामर सबसे ज़्यादा आ रही है तो मैं तो ग्रामर ही पढ़ूंगा, नहीं, ये तीनों भाई भाई है, तीनों भाई है, ऐसे मान लो तीनों भाई है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि 110 आप ग्रामर में ले आते हो और वोकैब आपकी बिल्कुल जीरो है तो 110 आ जाएंगे, नहीं, आपकी वोकैब जीरो है तो मान के चलो आपकी ग्रामर में भी नंबर नहीं आएंगे। एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए ये चीज़, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो कैसे आपको पढ़नी है, ये वाला मैंने बता दिया है आपको कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब वन इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर, इसलिए आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसमें कुछ छोड़ने का कुछ गुंजाइश नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या आप छोड़ सकते हो ये भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ने की। प्रीलिम्स में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, वो मेंस में आते हैं, तो प्रीलिम्स के टाइम आप इनको छोड़ सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स आपका हो क्लियर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, इसमें मेंस के टाइम में आप पढ़ सकते हैं। टोटल टाइम आपको कितना देना है इंग्लिश में ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, लगभग 3.5 घंटे आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे में जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप इतना दे सकते हो तो ज़रूर दें। 3 से 4 घंटे में 1 घंटे आपको ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर कैसे पढ़नी है, साथ साथ ये भी बताते चलता हूँ, ग्रामर कैसे पढ़नी है। कोई भी बुक उठा रहे हो आप ग्रामर की, जैसे ग्रामर में आप नीतू सिंह या एस वी बख्शी से पढ़ोगे, मैं बुक्स भी आप बताने वाला हूँ आगे, है ना। तो क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, नाउन का उठा लिया, नाउन का टॉपिक आपने उठा लिया, थ्योरी पढ़नी है इसकी बहुत अच्छे से। ग्रामर के मुझे नहीं लगता आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज बुक इटसेल्फ है नोट्स, ऐसे हिसाब से लिखी जाती है, बुक्स के नोट्स की तरह काम करें। नाउन उठा लिया, इसके सारे रूल पढ़ने, चाहे उसमें 1 दिन लगे आपको, 2 दिन लगे, सारे रूल पढ़ने। उसके बाद बुक्स के एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वाले आपको करने हैं। ये एक सिंपल फंडा है ग्रामर को समझने का। टॉपिक उठाया, थ्योरी पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस करो, टॉपिक उठाया, थ्योरी पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस करो, ऐसे ही करके आपको पढ़ते जाना है। 3 से 4 बार आपको ये करना है प्रैक्टिस, सेम क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन में क्या एरर आ रहा है उसको आपको अच्छे से देखना है, क्या एरर आया है, एक्सेप्शन क्या है उसको रटना है। एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कोई रूल पढ़ लिया लेकिन उसका एक्सेप्शंस अपवाद बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको ग्रामर, उन अपवाद को याद रखना है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, सेकंड पोर्शन है अपना कंप्रेंशन, 1 घंटा पढ़ना है इसको भी। 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें क्या करना है आपको कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। क्वेश्चंस मींस आपको कुछ, पहले तो आधा घंटा तो आपको पढ़ लेना है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है। आपकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ सकते हैं, अच्छी है तो द हिंदू से पढ़ सकते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं। कई बच्चे, कई भाई, कई बहनें मेरे को ये पूछते रहते हैं कि भैया कौन सा न्यूज़पेपर, विच वन इज़ बेस्ट। देखो, कन्फ्यूजन का कुछ नहीं है, यू नीड टू रीड द एडिटोरियल इरेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़पेपर। आप कोई सा भी पढ़ो, आजकल सब न्यूज़पेपर अच्छी इंग्लिश यूज करने लगे हैं, है ना। उसके बाद एडिटोरियल के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, मतलब कंप्रेंशन के लिए, जैसे आप एक पैसे सोल्व कर लिया आपने, एक क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिया आपने, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस भी लगाते रहना है साथ के, ऐसे करके 1 घंटा आपका बिताना है, है ना। उसके बाद 1 घंटा आपको वोकैब पढ़नी है। वोकैब में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और idiom phrases, स्पेलिंग। कई तो ऐसे बोलते हैं स्पेलिंग करेक्शन कहाँ से पढ़े भैया। देखो, स्पेलिंग करेक्शन कोई एक वोकैब का पार्ट नहीं है, वोकैब अपने आप हो जाती है जब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाएगा, सिनोनिम अच्छा हो जाएगा, एंटोनिम अच्छा हो जाएगा, idiom अच्छे हो जाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन अपने आप आपकी हो जाएगी। डेली मैं सजेस्ट करूँगा 100 वर्ड्स आप पढ़ें, जिसमें से 20 से 30 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे वाले पढ़ें, है ना। देखो, एक बार में वोकैब पूरी याद नहीं होती है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, वोकैब पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आपकी 3 से 4 हज़ार वर्ड आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप रेगुलरली वोकैब पढ़ रहे हो डेली 1 घंटा। तो शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में चीज़ें याद नहीं होगी, आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो बैक ट्रैक पे जा रहा है, मैं तो इतना पढ़ता हूँ कुछ याद नहीं हो रहा। देखो, याद नहीं होता, 4 से 5 बार जब वर्ड को आप पढ़ते हो, उसका मीनिंग पढ़ोगे, उसका हिंदी मीनिंग देखोगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किताब्स की बात कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, क्विज़ आपको लगाती रहनी है। क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा, क्विज़ किस चीज़ की लगानी है, ग्रामर, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ लगानी है आपको ग्रामर प्लस वोकैब की। वोकैब की जैसे कई सारे ऐप है जिसमें क्विज़ आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्विज़ आ गई लगा लो, सिनोनिम की क्विज़ आ गई लगा लो, एंटोनिम की क्विज़ आ गई लगा लो, उसके बाद नाउन की क्विज़ आ गई, टेंस की क्विज़ आ गई, लगाते रहो उनको, जितनी क्विज़ करोगे उतनी वोकैब आपकी अच्छी होती जाएगी, है ना, ये वाली चीज़ है। उसके बाद आपको बुक्स के लिए बता देता हूँ, देखो साइड में दिखाता रहूँगा इमेजेस। वोकैब के लिए आपको क्या करना है, देखो वोकैब सारे, मैं ये नहीं कहता कि दिस वन इज़ द परफेक्ट बुक लिस्ट, बट इससे आपका काम हो जाएगा, ये चीज़ बता के चलूँगा मैं आपको। एक एक बुक बता रखी है मैंने, बाकी मैथ्स में एक, रीजनिंग में एक, उससे ज़्यादा बुक्स आपको नहीं लेनी है। इंग्लिश की थोड़ी मल्टीपल बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 100 में से 63 नंबर आपको इंग्लिश का ही आपका काम बन जाएगा। 63 नंबर बहुत होते हैं, मतलब इंग्लिश में लगभग 100 में से 63% बहुत होता है, इसलिए आपको पहले तो वोकैब, देखो वोकैब में मनीषा बंसल मैम की आपको वोकैब की बुक लेनी है, लेकिन 2 वोकैब बुक आती है। आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ नहीं करा है, अभी स्टार्ट करना है भैया, का स्ट्रेटेजी वीडियो देख के आपको CPO क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड पावर आती है इनकी, वॉली लेनी है। इनकी एक एडवांस बुक भी आती है अवतार नाम से, अवतार द वर्ड मास्टर ऐसे करके बुक है। इन दोनों में से पहले वर्ड पावर लेना है, आपको बिगिनर हो, आपको लगता है आपने 1-2 एग्जाम अटैम्प्ट कर लिया, आपको थोड़ी बहुत वोकैब आती है, तो आप डायरेक्ट अवतार बुक खरीदो। बहुत ज़्यादा वर्ड्स है इस बुक में, बहुत अच्छी है, रूट वर्ड के साथ आपको याद कराई हुई है चीज़ें। रूट वर्ड से जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहेगी। एक वर्ड से, जैसे डेमो है, डेमो से, डेमो मीन्स पीपल,
तो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, कितने वर्ड्स बनते हैं, है ना। ऐसे वाली चीजें आपको क्या होगा, रूट वर्ड से आपको पता चल जाएगी बहुत सारे वर्ड्स बनाने की टेक्निक। कुछ आपको तो सब्जेक्टिव पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर ऐसा तो है नहीं कि लिखना है, आपको कुछ आ गया रूट वर्ड से क्वेश्चन, आपको नहीं भी आ रहा उसका मीनिंग और रूट वर्ड का मतलब पता है, तो आप कहीं ना कहीं वहां से एलिमिनेट करके उसका आंसर लगा दोगे। दैट इज द पावर ऑफ द रूट वर्ड। तो रूट जो भी बुक उठा रहे हो तो मेक श्योर करो उसमें रूट वर्ड हो, ठीक है। ग्रामर के लिए नीतू सिंह, एस वी बक्सी, इन दोनों में से एक बुक ले लो कौन सी भी, इसकी भी जो पीछे की वोकैब है उसको भी याद करना, है ना। एस पी बक्सी की वोकैब अच्छी है, नीतू सिंह की ग्रामर अच्छी है, बट एस पी बक्सी की ग्रामर भी अच्छी है अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो इनकी पीछे की वोकैब भी आपका लेना। उसके बाद कंप्रेंशन के लिए भी फिर से मनीषा बंसल मैम की बुक आती है क्लोजेस्ट पिक्योरस और पेसेज की। इनमें क्या है, इन्होंने ट्रिक्स बताई हुई है कि कैसे आप क्लोजेस सोल्व करो, कैसे आप पिक्योरस सोल्व करो और कैसे आप पेसेज सोल्व करो। बहुत सारे पैसेजेस इसमें दिए हुए हैं, तो जो मैं आधे घंटे की यहाँ पे प्रैक्टिस बता रहा हूँ एडिटोरियल पढ़ने के बाद, तो वो करना है। और शुरू में आप स्किप कर सकते हो, जैसे 2-3 महीने आपको पढ़ते हुए हो गए उसके बाद ये शुरू कर देना, है ना। शुरू में आप हो सकता है तो एडिटोरियल पार्ट पढ़ रहे हो, जो यहाँ पे आधा घंटा दे रहे हो आधा घंटा आप ग्रामर में बढ़ा लो। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको एक बार ग्रामर का रूल पता चल जाएगा, सारा आपको पता चल जाएगा, थोड़ी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, फिर आप आके ये कंप्रेंशन अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये देखो बुक्स ना थोड़े से शॉर्टकट है, मतलब जल्दी करना है तो बुक से करो, आपको थोड़ा सा डिटेल में करना है, मेंस की तैयारी के हिसाब से करना है तो एडिटोरियल कभी मत छोड़ना। मेरी ये बता देता हूँ, प्रीलिम्स में 10-5 नंबर कम आ जाएंगे, आपके बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंस में आपको 180-190 नंबर चाहिए इसमें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, 3-4 PDF है, एक वन वर्ड की है, एक इडियम फ्रेजेस की, एक सिनोनिम एंटोनिम की है। ये 2017-2018 तक के क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसकी PDF है, मैं टेलीग्राम से पे शेयर कर दूंगा। यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन वापस नए पूछे जा रहे हैं। ये वाली PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना और वहाँ से पढ़ना, है ना। ये बात रही इंग्लिश की, थोड़ी सी मैं चीज़ें जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक मिनट भी मेरी वजह से ज़्यादा वेस्ट हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो जो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डरावना सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश आ जाती है लेकिन मैथ्स नहीं आती। तो ये हमारा सिर्फ टीयर वन में आ रहा है, ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी है, हमें क्या करना है इसको बहुत शॉर्ट में निपटाना है। पहले तो एडवांस मैथ इसकी आती है ना, वो अच्छे से कर लेना आप, है ना। हो सकता है तो कई बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं तो CGL तैयारी नहीं करने वाला हूँ, एडवांस मैथ का मैं क्या करूँगा। भाई इसमें कर लेना, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आप कर लोगे। जो नॉर्मल मैथ्स है अर्थमेटिक, उसका आधा आएगा, एडवांस मैथ का आधा आएगा, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं थोड़े आपको पकड़ आ गई तो आप आराम से स्कोर कर लोगे इनमें। तो ये वाले मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको करके जाओ। देखो हर टॉपिक से लगभग इसमें भी 0 से 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी शिफ्ट में आ जाता है, किसी में नहीं आता। नंबर सिस्टम से इतना आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से 2 आ रहा है। देखो एडवांस मैथ से देखो एलजेब्रा से 4-5 आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से 3-4 आ रहा है, ज्योमेट्री से 4-5 आ रहा है, मेंसुरेशन से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो CGL का जो लेवल है ना इन एडवांस मैथ्स का, इतना नहीं आता है। और जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो मैथ्स में, आप मैथ्स लो या रीजनिंग लो, ये दो ही सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगेंगे आपसे। तो जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाना है आपको, सिर्फ मेंस में नहीं जाना है, ठीक है। CGL के मेंस के ऊपर नहीं जाना है आपको, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाओ, आपसे आराम से काम बन जाएगा। कैसे करना है स्ट्रेटेजी देख लो इसकी, कुछ नहीं करना है, डेली 2 घंटे पढ़ना है आपको मैथ्स। मैथ्स में 2 घंटे कैसे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा आपने तो टॉपिक उठाना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने। पढ़ रखा है तो सेकेंड ये वाला काम कर रखा है आपने तो सेकेंड उस पर स्टेप पर आ जाना है। नहीं तो एक टॉपिक उठाया, कौन सा टॉपिक उठाया, परसेंटेज उठाया, उसकी थ्योरी पढ़ी, ठीक है पढ़ ली, उसके जितने टाइप है सारे पढ़ लिए, उसके नोट्स बना लिए, ठीक है। एक एक टाइप को उठाना है, उसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, कहाँ से लगाना है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज कोई बुक उठानी है उससे क्वेश्चन लगाने। जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ टॉपिक उठाना है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। थ्योरी और नोट्स तो आपके बने हुए रेडी है, उसको ये करना है। जैसे परसेंटेज उठाया, परसेंटेज का एक टाइप उठाया, उसका जो बुक आती है किरण की चैप्टर वाइज टाइप वाइज, इस बुक के अलावा कोई बुक लेने की आपको CPO में जरूरत नहीं है, तो किसी भी और बुक की जरूरत नहीं है। एक बुक चाहिए आपको सिर्फ वन एंड ओनली, एक चैप्टर वाइज टाइप वाइज, उसी का इसमें क्या कर रखा है, सारे चैप्टर के टाइप जितने भी टाइप बनते हैं हर चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन अरेंज है। तो परसेंटेज का एक टॉपिक उठाया, उसका एक टाइप उठाया, उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। दूसरे दिन प्रॉफिट लॉस का एक टॉपिक, मतलब दूसरे दिन 4-5 दिन बाद जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस पे आ गए, डिस्काउंट पे आ गए, CI पे आ गए, SI पे आ गए, वैसे ही करते जाना है। अगर आप बिगिनर हो, आपको अभी से करना है, तो पहले शुरू में जो इजी टॉपिक्स है उन पे जाना है आपको, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, SCF हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, पावर इंडिसेस, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जाना है। फिर ये वाले टॉपिक साथ कर लेना है सारे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, ये साथ है। टाइम वर्क के साथ 5 सेशन करना है, टाइम डिस्टेंस के साथ बोर्ड स्ट्रीम करनी है, और ये वाले टॉपिक एक साथ करने हैं, है ना। तो पहले ये इजी टॉपिक स्टार्ट करने हैं ये वाले, अगर आप बिगिनर हो तो। जो थ्योरी कर चुके हैं उनके लिए मैं नहीं कर रहा, जो बिल्कुल नहीं कर सके
कर रहे हैं अभी उनके लिए बता रहा हूँ। पहले ये टॉपिक उठाना है, इनकी थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक के एक साथ नोट्स बनाने, एक टॉपिक पढ़ लिया उसी के नोट्स बना के उसी के क्वेश्चंस लगाने, है ना। ये वन बाय वन करते चलना है आपको, ऐसे नहीं कि पूरी थ्योरी पढ़ूँ उसके बाद में ये वाला काम करूँ, नहीं। जिस दिन थ्योरी पढ़ ली उसी दिन उसी टाइप का क्वेश्चन आपको लगाना है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज किरण से। मैं साइड में दिखा देता हूँ इसकी इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। 2018 से नए क्वेश्चन लगाने, 2018 से पुराने क्वेश्चंस पे आप लगा रहे हो तो उनको ज़्यादा नहीं लगाना है, उनको बेसिक के लिए लगाना है। लेकिन एडवांस के लिए, मतलब एडवांस मतलब कि थोड़ी सी अच्छी तैयारी के लिए, एडवांस मैथ नहीं, अच्छी तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2018 के बाद के क्वेश्चन, 2018 एंड उसके बाद के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार लगाने हैं आपको, प्रीलिम्स के लगाने हैं सिर्फ। ये चीज़ें ध्यान रख लेना आप, ठीक है। कैसे करना है, इजी टॉपिक पहले पढ़ना है ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए थोड़े मैथ्स में। हार्ड टॉपिक को ज़्यादा बार पढ़ना है, इजी टॉपिक पहले पढ़ना है, हार्ड टॉपिक को ज़्यादा बार पढ़ना है। बस दिमाग में बिठा लो ये चीज़, क्योंकि इजी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो कोई आपका स्कोर नहीं बढ़ जाएगा। 4 नंबर आने हैं किसी टॉपिक से, मान लो इजी टॉपिक है, 4 नंबर आने हैं नंबर सिस्टम से, तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बार पढ़ोगे तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएंगे आपके, नहीं, वो 4 ही आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक को पढ़ना है जो आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया है अभी या नहीं कर पा रहे हो और उसमें स्कोर बन सकता है, तो वाला टॉपिक पढ़ना है। कैलकुलेशन CGL की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी करनी है, अगर सिर्फ CPO करना है तो इतनी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन, क्योंकि CPO में प्रीलिम्स में आएगी मैथ्स और आपको टाइम मिलता है तो आप आराम से कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसके बाद हम मूव आते हैं रीजनिंग पे। देखो सेम फंडा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो रीजनिंग में मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स ओनली आएगी 50 नंबर की आएगी। एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग सिलोजी सिलोलिज्म जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट की जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक्स तो है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका वेटेज देखोगे तो लगभग 50% वेटेज इन्हीं का है। 25 नंबर यहाँ से आपके आएंगे, 25 से 30 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे, है ना। उसके बाद जो इजी टॉपिक्स है, ये मिरर जो पेपर काट दिया, फिगर इधर कौन सा फिगर मिसिंग है, थोड़ा सा फिगर के अंदर कौन सी चीज़ छुपी हुई है, ये वाले बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इन पे। जो मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसी से इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक ये टिक मार रखे ना, मैंने फ़ोटो खींच लो इसकी, ये वाले टॉपिक आपके अच्छे हो जाने चाहिए, ये टॉपिक बहुत अच्छे होंगे आपके। बाकी इसका जो बिना रगड़ा हुआ, मतलब बिना ख़राब करा हुआ ये PDF मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टाइम लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपकी रीजनिंग आराम से हो जाएगी। 50 में से 45 नंबर आपको लाने हैं, मैं बता रहा हूँ, आप भी जाते हैं, मेरे 44 आए थे। कैसे पढ़ना है, सेम मैथ्स की स्ट्रेटेजी लगानी है, टॉपिक उठाना है, पढ़ रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है सीधे प्रीवियस क्वेश्चन के, नहीं पढ़ रखी तो थ्योरी पढ़ना है, उसके नोट्स लिखना है। देखो ये टॉपिक्स है, इनके नोट्स नहीं बनाने आपको किसी के भी। फिगर काउंटिंग के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, इसके नोट्स बनाने हैं आपको, है ना। बाकी के नोट्स बनाने, इन टॉपिक्स के तो क्या नोट्स बनाओगे, तो बाकी 10-15 टॉपिक्स जो आपके हैं अच्छे वाले उनके नोट्स बनाने, कुछ कुछ जैसे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है इनमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को भी आपको लिख के रखना है ना, एक पेपर लेके रखना है आपको। टॉपिक उठाना है, उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, किरण के चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन यूज करो आप आराम से बेधड़के, एक ही बुक से आपका इसमें भी काम हो जाएगा। सेम डे सेम टॉपिक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है सिर्फ और सिर्फ 2018 के बाद के, 2018 एंड उसके बाद के, ठीक है। नोट्स में लिखना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट्स लिखना है, टॉपिक सेम डे उसी टॉपिक के टाइप वाइज चैप्टर वाइज से क्वेश्चंस करना है। एक टॉपिक के जैसे सीरीज में आप जाओगे तो इसमें कई सीरीज ऐसे बन गई कि जैसे क्यूब की सीरीज बन रही है उसकी वजह से सोल्व हो जा रहा है, कई स्क्वायर से बन रहा है उसकी वजह से सोल्व हो जा रहा है, कई 10-5 से मल्टीप्लाई हो रही है, कई 10 से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है ना, जो टाइप होते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस अरेंज होंगे किरण चैप्टर वाइज टाइप वाइज में, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नो नीड ऑफ एडिशनल बुक्स। इसमें हार्ड टॉपिक आपको पहले लेके चलना है, इजी टॉपिक एक दो बार ही आपको करना है। देखो ये ऐसे टॉपिक्स है, कई लोग बोलेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों बोलते हो, मेरी बात सुनो, आपको एम्बेडेड फिगर है, ये जनरली 99% लोग कर लेते हैं इसको, तो डू यू थिंक आप इसको एक या दो बार प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद भी आपके गलत हो जाएंगे, नहीं होते। और ये सीरीज वीरीज ये ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आपका दिमाग खुलता है। सीरीज तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा लगता है कि अगर क्लिक कर गया तो एक बार में कर गया, नहीं तो नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें क्लिक जो आपके हो रही है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ड टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसमें इजी टॉपिक को एक या दो बार आपको कर लो ना, उसके बाद जो मॉक लगा रहे हो ना उन मॉक टेस्ट से आपका काम बन जाएगा। मॉक में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चंस आप वहीं करोगे तो वहाँ के वहीं निपट जाएंगे, है ना। बुक किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2018 के मैंने बताई दिए, उसके बाद आते हैं आपको, इसमें आपको एकदम 45+ स्कोर करना है। मैं बता दे रहा हूँ आपको
प्रीलिम्स का स्कोर जुड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे तभी दिल्ली पुलिस एसआई आप बनोगे, ऐसे नहीं बन पाओगे, है ना। ये सच्चाई है बट कड़वी भी है। देखो माफ़ करिए, कड़वी सच्चाई बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो टीयर वन में पूछे जा रही है, ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है, सबसे कम स्कोरिंग है, बाकी में सब स्कोर कर लेते हैं, इसमें नहीं कर पाते। देखो एक बात यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, कुछ जैसे हर कोई हर चीज़ नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ रहे हो तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। ये प्रायोरिटी है आपकी, उसके बाद ये छोटे मोटे अटर्म्स अटर्म सारे पढ़ लेने। प्रायोरिटी आपको पॉलिटी अच्छे से करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करनी है, साइंस अच्छे से करनी है, ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, करंट अफेयर अच्छे से करना है। ये 6-5 टॉपिक तो मैंने बता दिए, उसके बाद कुछ बचता है अटर्म्स अटर्म तो वो लास्ट में करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री में एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, ये क्या थोड़ा डीप हो जाता है, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपके नंबर आने शुरू होंगे। लेकिन ये शुरू के 6 महीने के हिसाब से मैं बताऊँ, आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी तो पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। ये साइंस के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे ये सारे लगभग ये टॉपिक लास्ट में किसके रह जाते हैं, ये करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आपका टारगेट होना चाहिए, 25+ में स्कोर कर लो तो बहुत अच्छा स्कोर, मैं इसको मान के चलता हूँ। इतना तो 50% स्कोर तो इसमें करोगे, देखो इससे ज़्यादा इससे कम तो आप बिल्कुल नहीं जाना। करंट अफेयर इसमें बता देता हूँ अभी कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जीएस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो घंटा आपको डेली, एक घंटा तो आपको पढ़ना है टाइम, एक घंटा तो आपको डेली इसमें पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, एक सब्जेक्टिव बुक ले लेनी है आपको, जैसे लूसेंट ले ली, घटना चक्कर ले ली, किरण ले ली, जिसमें थ्योरी हो, जिसमें लिखा हो कि जैसे सारे टॉपिक की थ्योरी लिखी हो, वन लाइनर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक तो एक वन लाइनर ऐसे होती है बस एक लाइन लिख दी, उसके बाद जैसे संविधान कैसे बना उसकी लाइन, वन लाइनर ऐसे हो गया कि संविधान कब बना उसकी डेट दे दी, किसने बनाया उसका नाम दे दिया, अरे ये थ्योरी लिखी कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे सारे लोग इकट्ठे हुए, ऐसे मीटिंग्स हुई, ऐसे फिर संविधान बना, ऐसे अमेंडमेंट हुए, उसमें वो थ्योरी वाली बुक पढ़नी है आपको, जिससे आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक चीज़ें रुकेगी, है ना, ये करना है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है, उस बुक से क्या करना है, जो चीज़ आपने पढ़ ली उसी के क्वेश्चंस लगाने। जैसे मान लो संविधान क्या है, संविधान का क्या है, वो एग्जांपल दो, मैं किसी का ले दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ ली आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, उस बुक में जाना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के सारे क्वेश्चंस लगा डालने आपने, उससे क्या है आपको कंठस्थ हो जाएगी चीज़ें कि जो आपने पढ़ा है एक्चुअल में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, और जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो उसके वो देखना है आपको, थ्योरी भी देखनी है, जो सॉल्यूशन है ना उसको भी पढ़ना है, सॉल्यूशन में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी आपको पढ़ना है। इस हिसाब से दोनों स्टेप से आपकी बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आप कर लोगे। उसके बाद क्विज़ लगानी है, हो सकते तो सेम चीज़ पे क्विज़ भी लगा लो, वही क्विट इंडिया मूवमेंट पे आपको क्विज़ मिल जाती है कहीं पे, तो वो भी लगा लो, गूगल सर्च कर लो सिंपल सा क्विट इंडिया मूवमेंट क्विज़, आ जाएगा क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस कर लो और उनके आंसर, इससे चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी, आप रट लोगे इन चीज़ों को तो हेल्प होगी। आप बोलोगे रट कैसे भैया, याद नहीं हो रही, देखो मैं बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ो, उसका क्वेश्चंस लगाओ, उसकी क्विज़ लगाओ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें, और जो मैं बताता हूँ कोई हवा में बातें नहीं करता, मैं एकदम फुल प्रूफ जो चीज़ होती है वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये इतनी मेहनत नहीं कर रहा मैं, इतना पेपर पेन लेके, ये फालतू की मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको कोई भी ऐसे उल्टी सीधी चीज़ बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर को याद करने का कोई तरीका नहीं है, इसको PDF आप लेना है इसकी, उससे पढ़ सकते हो। वीडियोज आते हैं, ज़्यादातर वीडियो पे मैं फोकस करता हूँ, YouTube के किसी भी एक क्रिएटर के वीडियो देखना है, मंथली वीडियो देखना है, 9 महीने के करंट अफेयर करना है और लास्ट के 3 महीने में ही करना है, पहले करंट अफेयर मत पढ़ो अभी, अभी मत छेड़ना है बिल्कुल करंट अफेयर को, लास्ट के जो जैसे एग्जाम डेट आ गई आपको पता है, तो लास्ट के 2 से 3 महीने में करंट अफेयर को लेना है आपको, और बाकी जीएस का टाइम कट कर देना है और करंट अफेयर पे ज़्यादा समय आपको देते रहना है, ठीक है। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपके जो 20-22 मिनट मैंने लिए वो वेस्ट नहीं होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और कमेंट करना ना भूलें, यहाँ तक जो बंदा देख रहा है इस चीज़ को वो CPO का इन आउट समझ चुका होगा, और आशा करता हूँ आप दिल्ली में मिलेंगे मुझे 2 तारों के साथ, दिल्ली में और जहाँ पे भी, भगवान की वो तो लग पे छोड़ दो, अपने भगवान पे छोड़ दो, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क है, इस हार्डवर्क को आप करते रहो, ठीक है। इतना इस वीडियो में गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।